अरे नहीं नहीं एंगेजमेंट राज की तुम्हारा फोन है। हेलो कौन? तुम्हारा वेलविशर। वेलविशर? हाँ, मैंने फोन तुम्हें टिप देने के लिए किया है। कैसी टिप? जिन तीन लोगों का मर्डर तुमने किया है उनका चौथा पार्टनर एंथनी डिकोस्टा आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर जा रहा है। मौका बहुत अच्छा है, तुम उसे मुंबई नागपुर के बीच ठोक दो। रॉन्ग नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर बोलता है। बॉस अब क्या करने का? मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, उसे टिप मिल गई है। थोड़ी देर में वो मेरे डैड को किल करने निकलेगा, हम लोग उसका पीछा करेंगे। इससे पहले वो डैड को ठोके हम लोग उसे ठोक देंगे। बच गया बच गया, साले मेरे उस नालायक बेटे से भी बच गया और उस किलर से भी बच गया। हेलो, तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड, वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे लेटेस्ट न्यूज़ तो मैं तुझे दूंगा, अगर मैं जिंदा बचाना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ गॉड, ये कैसा बेटा दिया है तूने मुझे, अब मैं क्या करूं? वापस मुंबई जाता हूँ तो सामने से मारेगा, नागपुर जाऊंगा तो पीछे से मारेगा। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर छुपूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदिवासियों के झोपड़े, गुड आइडिया। आज रात मऊआ पी के यहीं सो जाता हूँ, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। झोपड़ा हिल रहा है, अरे चलने लगा। अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरे ये झोपड़ा मेरे पीछे आ रहा है। अरे बाबा बाबा, पता नहीं किसका फोन था। राज आ गया है, चलो जल्दी छुप जाओ। प्रिया? हाँ? मेरी कार नहीं है। क्या कहाँ पार्क की थी तुमने? वही व्हाइट कार के आगे। ओ गॉड प्रिया, अगर इस बार कुछ लफड़ा हुआ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी, वरना इंस्पेक्टर खुराना इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। तो चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। कम ऑन गाइस। अच्छा हुआ गाड़ी ने मेरा पीछा छोड़ दिया।
मैंने तो इसे नागपुर की तरफ डैड के पीछे जाने के लिए कहा था। ये पुलिस स्टेशन क्यों आया है? कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टेलीफोन। अरे बाप रे, फिर से आ गई। बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। आजा, मारना है ना मुझे? आजा, आजा मेरे अंग पर। अरे मारना। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा है, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप इंस्पेक्टर बताइए, मुझे आप बचा लीजिए। क्या हुआ सर? एंथनी डिकोस्टा को किसी ने मार दिया। समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है जो बार बार गाड़ी चुरा कर मर्डर कर रहा है और उसका इल्जाम मुझे पर डालना चाहता है। पता नहीं टार्जन कहाँ होगी। डर लग रहा है कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। फिकर मत करो राज, जब पुलिस ने शहर के सारे एग्जिट सील कर दिए हैं तो टार्जन जरूर मिल जाएगी और हो सकता है कि वो आदमी भी पकड़ा जाए। होप सो। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूं? तो जब तुम यहां पहुंचे तो यह कार पहले से यहां मौजूद थी। जी। यह कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है, यह कार यहां पहुंची कैसे? माता जी, आप तो यहाँ पहले से थीं, आप बता सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊँ रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपके जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है तो देखिए कहीं एक स्क्रैच, एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी क्या आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए। सर शट अप। सर शट अप। सर माताजी,
आप कमिश्नर, होम मिनिस्टर, ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं। और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम रसाला, बांध इसको जीप के पीछे। सर प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, अब इस कार से कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले, इस बार 4 नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर, तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटी? दादी, टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था। अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए।